गुड इवनिंग गाइस। तो मैं आज आया हूँ, आज गया था क्रशर में, क्रशर से अभी बैक हो गया। तो बैक होके अभी हम लोग थोड़ा हम सोचा है कि आज आप सबको भी हम जो मतलब इंसेक्ट था महाभारत का समय से, जो लॉर्ड कृष्णा का टाइम से लेके और रुक्मणी माता रुक्मणी, तो माननी मंदिर का भी हम आपको व्यू दिखाया था, उससे कुछ एंसेक्ट चीज़ जो मतलब जुड़ा हुआ है, तो आज मैं उसका थोड़ा व्यू आपको दिखाना चाहूँगा। और प्लस जो ये है, ये बहुत द्वापर युग का भी, ये भी एक द्वापर युग का मंदिर है जो हमारा लिखावली में है। और ये द्वापर युग का मंदिर कृष्णा लॉर्ड कृष्णा का समय में ये मंदिर को मतलब ये जगह को मतलब आकाशी गंगा को जहाँ पे ये है उसका वो लॉर्ड कृष्णा का समय में ये मंदिर स्थापित हुआ। तो फिर यहाँ से लेकर आज तक ये चल यहाँ पे चल रहा है। तो ये द्वापर युग का जो मतलब व्यूज़ है, तो जैसे कि मालनी थान था, रुक्मणी मंदिर है, तो आज मैं आपको उसका बीच में आकाशी गंगा को दिखाना चाहूँगा। तो आप सब आकाशी गंगा को देखिएगा। तो आज मेरे साथ में मेरा बड़ा भाई आया हुआ है, तो बड़ा भाई वो साथ में है। तो बड़ा भाई हम दोनों आज साथ में था, क्रेशर से हम लोग बेक हो गया, तो भैया का साथ हम आज आया है। तो गाइस आज मैं आप सबको इंसेक्ट चीज़ जो हिंदू माइथोलॉजी का सबसे पुराना ऐतिहासिक चीज़, जो हम ये सोचते हैं कि मतलब महाभारत का समय में कृष्णा सिर्फ आपका हरिद्वार वृंदावन वहाँ पे है, पर मतलब ये बहुत कम इंसान ये जानता है कि मतलब हमारा जगह पे भी मतलब ऐसा चीज़ है जो मतलब द्वापर युग से लेके आज तक हमारा पास वो जीवित है। और जिसको मतलब आप उसको नज़रअंदाज कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा एक पवित्र स्थान है जहाँ पे मतलब समय होने पे लाखों लोग यहाँ पे दर्शन को आता है मकर संक्रांति को। तो आज तो कुछ यहाँ पे प्रोग्राम नहीं है, तभी भी मैं आपको आकाशी गंगा का आपको डिटेल्स और उसका मंदिर वगैरह और आकाशी गंगा उसका आश्रम वगैरह को, और नदी अगर पानी छोटा रहेगा तो हम उसका जड़ तक जाके आपको हम आकाशी गंगा का डिटेल्स को देने की कोशिश करेगा। तो हम अभी आकाशी गंगा पहुँचने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा लैंडस्लाइड हो गया आते ही तो यहाँ थोड़ा दिक्कत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो रास्ता तो हाईवे था, तभी भी यहाँ पे थोड़ा सिंकिंग जोन है। तो आज फाइनली हम लोग आकाशी गंगा पहुँच गया। तो हम अभी गाड़ी तो नीचे नहीं जाता, यहाँ से हम खुद मर्च करना पड़ेगा बाबा के पास पहुँचने के लिए। तो वही फाइनली रीच आकाशी गंगा। तो मैं अभी आपको आकाशी गंगा का जितना डिटेल्स हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों दिखाने के लिए। गाइस ये आकाशी गंगा टेम्पल है। तो यहाँ पे मंदिर में कोई पुजारी तो अभी ऊपर में नहीं है, पुजारी यहाँ पे रहता नहीं, बहुत कम हुआ। नीचे से पुजारी जो ऐसा प्रिस्ट है तो नीचे से ही आता है। तो मंदिर को अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट का कोई अभी तक नहीं। ये हमारा जो आकाशी गंगा को मतलब शांत करके गंगा को शांति किया, ये भैरवी बाबा का मैदान है, तो मतलब उसका मेमोरीज है यहाँ पे। तो मैं आज आप सबको उसका नीचे का व्यूज़ भी हम आपको दिखाएगा। तो ये अभी तो यहाँ पे मकर संक्रांति का समय बहुत बहुत जहाँ पे आदमी भीड़ भाड़ हो जाता है, तो हम एग्जैक्टली उस समय तो आपको व्यू नहीं दिखा पाया, लेकिन आज हम उसको बाकी को हम आपको दिखाएगा, क्योंकि वो आगे में रास्ता भी आपको हम आकाशी गंगा नीचे रास्ता को भी हम आपको दिखाएगा। तो गाइस अभी वी आर रीचिंग, तो हम यहाँ पहुँच गया, पहुँचने का अभी हम नीचे जाएगा आकाशी गंगा के लिए। तो हमको यहाँ से स्टेप है, तो ये स्टेप डेवलपमेंट बीच में थोड़ा डेवलप आया था स्टेप को लेके, पहले यहाँ में जाने के लिए रास्ता भी थोड़ा दिक्कत था। तो ये स्टेप है, यहाँ से कम 1000 स्टेप हमको नीचे जाना पड़ेगा, और 1000 कदम अगर हम यहाँ पे फुट मार्च करेगा तो हम नीचे तक हम पहुँच पाएगा। तो गाइस इसका रास्ता पूरा स्टेप है, यहाँ पे हम गाड़ी या बाइक लेके नहीं जा सकता। तो भगवान भी ऐसा ऐसा जगह में रहता है जहाँ पे मतलब आदमी पहुँचने के लिए मतलब बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा। अब आगे देखते जाइए, मैं आपको व्यूज़ को दिखाऊंगा। फाइनली भैया को फिर हम दोबारा मिल गया,
तो हम सब क्रेशर गया हुआ था, क्रेशर से अभी आते हुए हम लोग फिर बैग होके, तो सोचा कि हमारा जितना व्यूवर्स है, मेरा व्यूवर्स है, तो कुछ ऐसा चीज़ है जो मतलब हर की कोई एक चीज़ को जानना चाहिए, और इसको मतलब उसको देख के और समझ के, और यहाँ कोई भी आदमी हो तो यहाँ आके आप दर्शन वगैरह कर सकते हैं, जो स्पेशली हिंदूज हैं तो ये उनके लिए है, पर यहाँ पे घूमने के लिए भी आप आ सकता है आकाशी गंगा में। तो ये जो आकाशी गंगा जो मंदिर है, तो ये मंदिर द्वापर युग से है, द्वापर युग का बनाया हुआ मंदिर है, जब लॉर्ड कृष्णा ने भीष्मक नगर से जब माता रुक्मणी को भगा के लेके आया था, तो उस समय उन्होंने यहाँ आके स्नान किया था, तो उस स्नान करने वाला जगह को भी आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेगा, पर अभी नदी भरा होने से हम उस पार नहीं जा पाएगा, पर हम जितना तक हो सकता है आप लोग को हम दिखाने के लिए कोशिश करेगा। ये नुहवा जगह ना है, ये ऑरेंज है, ऑरेंज। बहुत गर्म है, बहुत ही ज्यादा गर्म है ना इस टाइप से। पूरा ये पानी पानी हो गया बारिश की वजह से, और स्लिप है और संभाल के चलना पड़ता है, और आज धूप भी बहुत ज़्यादा है, गर्म भी बहुत ज़्यादा है आज, गर्म का वजह से थोड़ा रेस्ट करके जाना पड़ रहा है, उपाय नहीं है। गर्म का मतलब वो धूप का ताप इतना ज़्यादा है कि मतलब पूरा वो आपका बदन का एनर्जी को ख़त्म कर रहा है गर्म से, मतलब थोड़ा नीचे जाएगा। आप रास्ता देख सकते हैं कितना डाउन है, बहुत नीचे है यहाँ से भी अभी, और हमको स्टेप रखना पड़ेगा, तो वही हार्डली हम लोग अभी तक 100-150 स्टेप ऐसे कवर अप किया, फिर हमको और थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। फाइनली हमको मंदिर दिखाई दे रहा है, मंदिर का झंडा थोड़ा सा रेड कलर में, हनुमान जी का झंडा है वो, तो इतना डाउन स्टेप है कि यहाँ में थोड़ा बुजुर्ग लोग अगर उम्र वाला होगा तो यहाँ आने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है गर्म में, तो फाइनली हम पहुँच गया। आप ये देख सकता है दोस्तों, हम पहुँच गए हैं आकाशी गंगा, नीचे कुछ म्यूजिक वगैरह चल रहा है महादेव का, ये महादेव का मंदिर। हम लोग फाइनली पहुंच गया, ये नंदी महाराज है,
तो ये आकाशी गंगा मंदिर जहाँ पे भोलेबाज निवास करते हैं, यहाँ पे महादेव। नंदी महाराज है, तो हम फिर नीचे जाएगा। तो मेन लोकेशन जो गंगा, तो गाइस हम सब वो ऊपर से आया गरम से, वो भैया भी कपड़ा खोल रहे, उपाय नहीं गरम। तो वो बाबा है, तो बाबा यहाँ रहता है मंदिर को। इन बाबा का बाबा जो कुकल बाबा है, जो आज से बहुत साल से वो कुकल बाबा ही यहाँ पे रहता है। कुकल बाबा है वो, तो मंदिर का जो देखभाल करता है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब बाबा किस तरह से रहता है। बाबा राम राम। आकाशी गंगा का बाबा है जो महादेव को लेके आज बहुत सालों से इस मंदिर में वो तपस्या, अकेला इस मंदिर को देख रेख कर रहा है। और प्लस ये बाबा ही अकेला ऊपर मंदिर को, नीचे मंदिर को भी देखभाल करते हैं। और मैं बाबा से कुछ चीज जानना चाहूँगा कि बाबा इस मंदिर का विषय कुछ आप हमारा व्यूअर्स को भी कुछ थोड़ा कुछ बताइए। और ये कुकल बाबा आज तक हम देखे आया, कम से कम 10-15 साल से बाबा ही इस मंदिर को देख रेख कर रहा है। तो ये बाबा आज कैसे कैसे क्या है, और बाबा यहाँ पे अकेला रहता है, तो महादेव को, वो महादेव का एक बड़ा भक्त है। तो आज बाबा आकाशी गंगा का बारे में हम जितना भी व्यूअर्स है तो उनका बारे वो बाबा कुछ आपको बताएगा। बाबा अपने आकाशी गंगा विपरीत हो कुछ एक बात बोल देने से तो हमारा क्या पूछना चाहते हैं? और बाबा ये मंदिर का बारे कुछ बताइए, आकाशी गंगा के कुछ बारे आप हमको ये बताइए। ये तो ऐसा हुआ है आकाशी गंगा का बारे में, आकाशी गंगा ऐसे हुआ है, तो जब रुक्मिणी श्री कृष्ण भगवान भैया स्वयंवर से श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी को लेके आए, उसका वो और लोग आ करके माँ मालिनी मंदिर, अभी तो माँ मालिनी मंदिर हुआ है, पहले तो माँ मालिनी मंदिर बोल करके कुछ नहीं था, तो एक पहाड़ी था। तो आ करके उसमें ये जब लेके आए तो स्वयंवर से बोल करके नहीं है, गेट से ही लेके आए थे रुक्मिणी। तो क्या हुआ, जब स्वयंवर के अंदर में खबर हुआ तो श्री कृष्ण भगवान आकर के, श्री कृष्ण आकर के रुक्मिणी को लेकर चला गया। तो रुक्मिणी का बड़ा भाई जो था रुक्म, उन्होंने रुक्मिणी को पीछा किया, रुक्मिणी का श्री कृष्ण को पीछा किया, क्योंकि उन्होंने रुक्मिणी को अपना बहन को इसका कृष्ण का साथ देने के लिए नहीं पूछता रहा, और पूछता रहा अपना दोस्त शिशुपाल को देने के लिए। तो जब रुक्मिणी को लेकर के श्री कृष्ण आया है बोलकर के सुना है, तो वो पीछा करके आकर के अभी महामलिनी मंदिर हुआ है, पहले तो नहीं था, अभी उसी जगह आकर के उन लोग का लड़ाई हुआ, लड़ाई में तो रुक्म हार गया। हार जाने के बाद तो उनको वापस जाना पड़ा, और इन लोगों का भी रफ जो था पाया हुआ सब टूट गया, तो जाने का पड़ा, इन लोगों को बोझना पड़ेगा। तो शाम जब हुआ रुक्मिणी ने श्री कृष्ण भगवान से बताई, बोली स्वामी गुरुदेव अभी तो मेरे को जो जल चाहिए, मेरे को जल कहाँ मिलेगी? तब श्री कृष्ण भगवान ने शिव जी को ध्यान किया, शिव जी को ध्यान किया वहाँ मालिनी मंदिर, जहाँ पे अभी जहाँ माँ मालिनी मंदिर है, रुक्मिणी मंदिर है, वहाँ बैठ करके हम लोग श्री कृष्ण भगवान ने शिव जी को ध्यान किया। ध्यान करने के बाद शिव जी जब आने निकले, माता पार्वती को मालूम हो गई, तो माता पार्वती भी साथ में आई, तो माता पार्वती ने बोली मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो दोनों आए, आने के बाद यहाँ आदि श्री कृष्ण भगवान से उन्होंने भेंट किया, भेंट करने के बाद उन्होंने कृष्ण कृष्ण लगाए किस लिए बुलाए, तो उन्होंने बताया इसी की बात है, तो हम उनको लग गया है अभी हमें जल नहीं है, जल का लिए आपको बुलाया गया है। तो ये शिव भगवान ने आया करके यहाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर पड़ेगा, तो वहाँ जा करके तो बाबा अभी जो गंगा बहता है वो तो थोड़ा नीचे है, नीचे हाँ नीचे। तो बाबा आप ये मंदिर में आप कितना साल से आप सुबह साल 2002
2006 में मैंने तो बाबा ऑलमोस्ट एक्सपेंड एक युग आज 16 साल हो गया, एक 12 साल में एक कल होता है, तो उन्होंने एक युग इस मंदिर में बिताया। तो बाबा आज भी यहाँ अकेला है, तो हम सब गाइस आई अपील एवरीवन कि मैं हर किसी को विनती करता हूँ कि ये मंदिर अभी बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। तो ये द्वापर युग का मंदिर, बाबा ये द्वापर युग का मंदिर है, महाभारत का समय का है। तो ये महाभारत द्वापर युग का मंदिर है, जो इसको आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं आया, तो मंदिर भी अभी हम थोड़ा देख सकते हैं। आप यहाँ दिखाइए साहब प्लीज, और पीना भी पूरा खत्म हो गया। तो हम तो ये मंदिर का जो ऐतिहासिक मंदिर है, तो इस मंदिर का मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा प्लीज। बाबा आप इसमें दिखाइए, तो महादेव का अभी खंभा भी टूट गया है, तो पोस्ट भी ऑलमोस्ट ये सब टूटा हुआ है, सारी ये सब पूरा उधर नीचे एकदम पूरा हो जो है। तो यहाँ आइए देखिए, आइए आइए मालूम पड़ेगा। तो आप यही देख सकते हैं कि मंदिर का स्थिति बहुत खराब है। तो हम हर किसी को ये अपील करना चाहता है कि मतलब आप सब इस मंदिर को बचाने के लिए आप हम लोग का साथ आगे निकल के आइए, हेल्प करें। तो ये हम लोग का हिंदू धर्म का सबसे एक बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है, जैसा मालिनी थान। तो आप ये देख सकता है कि ये कम्बा पूरा ख़त्म हो गया, तो महादेव भी इसका अंदर में विराजमान है। तो आप देख सकता है कि इसका हालत कैसा है। तो वी अपील एवरीवन, तो कोई भी हो, चाहे वो अपना जेब से हो या कि कुछ हो के भी, इस मंदिर को बनाने के लिए थोड़ा साथ देने से ठीक है। तो गाइस हमने देखा ये महादेव जो प्रसिद्ध है, देवों की देव महादेव, जो ये कुकल बाबा है। क्या बाबा आप ये बताएगा कोई गवर्नमेंट से, कोई अरुणाचल गवर्नमेंट से हो या अरुणाचल टूरिज्म से है, कोई आया है जो मंदिर को मतलब देख रहे या डेवलपमेंट का कुछ मंदिर बनाने का कोई बात किया है आपसे? अभी तो सुना है सेंक्शन आया है थोड़ा सा। अभी तो बाबा भी सुन रहे हैं सेंक्शन आया है, सेंक्शन थोड़ा बहुत आया है, कितना आया है कितना नहीं आया है मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं डीसी साहब के पास गया रहा, तो डीसी साहब ने बोला है थोड़ा सेंक्शन आया है। अभी जब ये होगा बारिश खुलेगा तब इसका काम स्टार्ट करेगा बोलते। ओके अभी नहीं होगा, क्या होगा वो मैं नहीं जानता। अच्छा बाबा, बाबा को ये मालूम नहीं है, लेकिन बाबा ये कह रहा है कि बाबा ये मंदिर को लेकर। अच्छा बाबा ये जो स्टेप जाना पड़ेगा हम लोग को, नीचे जाना पड़ेगा गंगा के लिए ना, तो बाबा ने आपको बताया कि मंदिर कब से है। तो आप गाइस ये मंदिर जो द्वापर युग का है, तो एट द टाइम ऑफ प्रियत ऑफ महाभारत, तो महाभारत का समय से है जो मंदिर था, हमने आपको दिखाया। मंदिर का हालत भी बहुत ख़राब है, देख के बहुत दुख लगा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं अकेला इसको अपोर्ट करूँ बा कुछ करूँ, लेकिन अगर हमारा कोई सोसाइटी हो जो हिंदू, जो स्पेशली हम जो हमारे हिंदू लोग हैं, मैं उसको भी अपील करता हूँ, तो हम लोग सब मिल के इस मंदिर को थोड़ा इनोग्रेशन करने के लिए करने से हम लोग को भी बहुत खुश होगा। और यह हम लोग का जगह का सबसे ऐतिहासिक मंदिर है, बल्कि यह में कोई असम अरुणाचल कोई ऐसा नहीं है, ये हम लोग का नॉर्थ उत्तर पूर्वांचल का नॉर्थ ईस्ट का सबसे महत्वपूर्ण जगह है। जैसे मालिनी थान है, आकाशी गंगा है, रुक्मणी मंदिर है, तो हम एक अच्छा और एक बेहतर टूरिज्म प्लेस है। तो हम गवर्नमेंट को भी यही अपील करेगा कि मंदिर को थोड़ा देख रेख को थोड़ा अच्छा कर देने से, तो आगे जाके जो ऐतिहासिक था वो आगे जाके फिर नया जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए, तो ये एक रहेगा। क्योंकि ये द्वापर युग महाभारत का समय हम लोग सुनता था, लेकिन आज उसका इतिहास का गवाह जो मंदिर है जो नीचे में है, वो जो है वो लोग द्वापर युग का जो चीज़ जो आज हम लोग को देखने मिल रहा है, तो आगे जाके तो हमारा जनरेशन का छोड़ के और नया जनरेशन लोग भी इस पीढ़ी को देखे जाने समझे, तो हम यही आप सबको कहना चाहेगा। और हम थोड़ा देर के बाद हम नीचे जाएगा, अभी हम थोड़ा रेस्ट कर लेगा तो नीचे जाएगा। नीचे का भी अगर नदी अगर पानी भरा नहीं होगा तो हम उस पार जाके भी आपको वो गंगा का जहाँ से फ्लो होता है पानी ऊपर से, तो उसको भी हम आपको दिखाएगा।
तो कैसे अभी हम थोड़ा रिलैक्स किया यहाँ पे 5-10 मिनट, हाथ पाँव धुलाया, मंदिर में गया, तो अभी हम लोग नीचे तरफ जा रहे हैं। रास्ता ऐसा है कुछ, तो यहाँ पे एक मलनी टेम्पल से लेके एक सुरंग है जो गुफा अभी बंद है, आप देख सकते हो व्यूज। पानी आज तो अभी हम नजदीक गुफा का नजदीक पहुंच गए, अभी हम क्रॉस कर लिया क्या ऑनलाइन में। आप देख सकते हैं अंदर तो बंद कर दिया गया, यहाँ पे एक सुरंग, इस सुरंग यहाँ से मालनी मंदिर से निकल रहा था। तो बस उसका नीचे ही वो आगे ये पानी भरा है, तो हम लोग आज पानी क्रॉस नहीं करेंगे, देन वी विल मूव बैक। इससे भी बहुत चढ़ाई अभी ना, फाइनली पहुंच गए। यहाँ एक गाड़ी भी है, बेग हो गया ना अभी रास्ते से। क्रशर तो आकाशी गंगा गाना सुनने का ना।